अगर तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं है तो दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल कैसे निकलेगा। बच्चे थे तब जवानी पे छोड़ा, जवान हो तब बुढ़ापे पे छोड़ोगे, और बुढ़ापे में लोग हैं वो अगले जन्म पे छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं परलोक में देखेंगे। आज तुम दुख में जी रहे हो, कल की आशा कर रहे हो, सुख की आशा से पैदा नहीं होगा कल, कल तो तुमसे पैदा होगा, तुम जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा, तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगा, तुम्हारे सपनों से नहीं। आदमी एक कदम चलता है एक बार में, कोई मीलों की छलांग नहीं लगाता, और एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील चल लेता है। जो आदमी अपने पैर को देखेगा और देखेगा एक कदम चलता हूं एक फिट पूरा नहीं हो पाता, हजार मील कहां पार होने वाले हैं, यहीं बैठ जाए। लेकिन जो आदमी ये देखता है कि अगर एक कदम चल लेता हूं तो एक कदम हजार मील में कम हुआ, और अगर जरा सा भी कम होता है तो एक दिन सागर को भी चुकाया जा सकता है। पहले कदम को उठाने में जो समर्थ हो गया, अंतिम बहुत दूर नहीं है, कितना ही दूर हो। जिसने पहला उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। पहले में ही अड़चन है, अंतिम में अड़चन नहीं है। जो पहले पर ही थक के बैठ गया निश्चित ही वो अंतिम नहीं उठा पाता है। निर्भर करता है आपके भीतर के धैर्य, प्रतीक्षा और सतत सहज प्रयास पर। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन उस प्रयास को एक बोझिलता जो बनाएगा वो हार जाएगा। आप होते हैं दफ्तर में, मन होता है सिनेमा गृह में, आप होते हैं सिनेमा में, मन होता है घर पर, तो मन और शरीर के बीच जो फासला है वो तनाव ही आपको थकाता है और तोड़ता है। जो होशियार हैं वे अपने काम को भी खेल बना लेते हैं। खेल का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब के कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कोई संसार नहीं बचा है।